यहाँ पर आके मुझे बेतहाशा खुशी हुई है, जिस तरीके से लाहौर पुलिस ने, लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने इसको, इस चीज़ को लेके चलें, इस बात को, इस कॉज को लेके चलें, और जिस तरीके से बच्चों ने पार्टिसिपेशन भी की, मैंने पेंटिंग्स देखी, बच्चों से भी मैं मिला, जो ख्यालात हैं, जो सोच है, असल में हर पेंटिंग के पीछे क्रिएटिव सोच होती है एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैं ये जब एक्सीडेंट्स वगैरह देखता हूँ, एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप और मुंह हाथ धोने से लेके और शेव करने तक, व्हेन आई लुक एट द बम्प इन माय, ये जो है ना माथे पे, आई रिमेंबर द एक्सीडेंट, लेकिन आज भी इट हॉन्ट्स मी। अभी भी जब मैं सोचता हूँ क्या हुआ था, क्या हो सकता था। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और उसके लिए इससे अच्छा मीडियम कोई हो नहीं सकता जो आप लोगों ने इख्तियार की है। इस पेंटिंग में मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके से क्रॉस करने के लिए उनको रास्ता देना चाहिए और ड्राइव स्लोली करना चाहिए, ताकि हम दूसरों का भी ख्याल रख सकें और अपना ज़िंदगी का भी ख्याल रख सकें। पेंटिंग ने ये शो करने की कोशिश की है कि ये जो, जैसे अब ये बंदा था, ये इसने थ्रिल के लिए ओवर स्पीडिंग की, इसको, इसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि इसके पीछे पेरेंट्स, इसके 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 फादर, इसकी मदर इसका वेट कर रहे हैं। इसने और यहाँ पे जब ये मर गया तो इसकी जो मदर थी वो, मैंने इसको ये बादल शो किया कि वो रोते, इतने दुख में थी कि वो मर गई रोते रोते। आज सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर एक पेंटिंग एग्जिबिशन मुनक़द की, जिसका मकसद ये था कि हम अपनी यूथ को एंगेज करें, और एक जो हमारा नेशनल कॉज है, इसके दो थीम्स थे। एक था कि रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स की आगाही लोगों में देना, और सेकंड था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से लोगों को में शऊर उजागर करना।